दोस्तों, कैसे हो? मुस्तफ़ा राइडर के नाज़रीन मरहबा। अगर मैं जिस मज़ार पे इस वक्त हूँ, अगर आपको जल्द अज जल्द मालदार बनना है, दौलतमंद बनना है, तो आप इनकी मज़ार पे हाज़िरी दीजिए। सुभान अल्लाह, सुबह सुबह का खूबसूरत नज़ारा, क्या बात है। देखिए, मुजद्दिद अल्फ सानी शेख अहमद सर हिंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह। सुभान अल्लाह, खूबसूरत नज़ारे रहा इनका बोर्ड, बुरहान इलायत मुहम्मदिया हुज्जत शरीयत मुस्तफ़िया काशिफ असरार सब मसानी आलम उलूम मुक़त्तियात कुरान आरिफ हक्कानी कय्यूम ज़मानी शेखुल इस्लाम अल मुस्लिमीन आयतुल्लाह फिल अर्ज़ीन अदीमुल बरकत इमाम रब्बानी महबूब गौसे महबूब सुबहानी गौसे समझानी मुजद्दिद अल्फ सानी शेख अहमद फ़ारूकी सर हिंदी नक्शबंदी हनफी रहमतुल्लाह ताला अलैह। सुबहानअल्लाह, यहाँ से एंट्री है आपकी, ये देखिए। और ये ज़ियारत कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आपका मज़ार मुक़द्दस है। ये शजर मुबारक टंगा हुआ दिखा, देखिए जो भी पढ़ना चाहता हो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। देख रहे हैं, ये इनका असल मज़ार है नीचे। और फिर हम जो आपको लेके जाएंगे ऊपर, वो ज़ियारत के लिए बनाया गया है, मतलब ऊपर बनाया गया है। अक्सर बेशतर मज़ारों पर ऐसा ही होता है। चलिए अभी आपको ऊपर लेके आते हैं। देखिए, हम जो आपको बता रहे थे, ये जो ऊपर है, ये देखिए, जैसा बाहर निकलेंगे ये सीढ़ियाँ हैं। ये सीढ़ियों से जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो ये भी आपकी मज़ारत बनाई गई है, ऊपर बनाई गई ज़ियारत के हिसाब से। उर्स वगैरह के टाइम भीड़ वगैरह जब होती है तो अंदर जाना मुनासिब नहीं है, बहुत ही कंजस्टेड है अंदर, तो वो हिसाब से यहाँ पे आपकी मज़ार बनेगी। देखिए, ज़ियारत कीजिए और दुआ कीजिए। हम आपको बताते हैं ये मज़ार कहाँ है। तो दोस्तों, इनका नाम मुजद्दिद अल्फ सानी सर हिंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपका मज़ार पंजाब में मौजूद है, सर हिंद में। पंजाब सर हिंद में मौजूद है। आप चाहे तो ट्रेन स्टेशन भी सर हिंद है, नहीं तो अम्बाला से भी उतर के आ सकते हैं। और सर हिंद उतरेंगे तो आप स्टेशन सर हिंद से रिक्शा बना के यहाँ आ सकते हैं। तो दोस्तों, रहने वगैरह के मामला ऐसे है कि जब हम लोग आए यहाँ पे, तो ऑफिस में जब गए तो उन्होंने पूछा कि ऐसा मेहमान खाने में रुकना चाहते हो या एसी वाले रूम में। तो एसी तो वैसा भी हम लोग नहीं लेते, तो हमने बोला सादे रूम में। तो हमको दिए, मैं पूछा क्या किराया वगैरह है, तो किराया वगैरह कुछ भी नहीं था। 2-3 दिन तक फ्री रहता है मेहमानों के लिए, लेकिन हाँ, एसी वाला जो लेंगे उसका 1200 या 2000 रुपये किराया था। तो हमको तो एसी चेती नहीं थी, तो बिना एसी वाला हमारा काम हो गया फ्री में ही। और अब जब आओगे यहाँ पे बिना एसी के लोगे तो आपको फ्री में मिल जाएगा रूम मेहमान खाना बोल के। और अगर एसी वाला चाहिए आपको तो फिर आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। तो आप ज़रूर आइए और
बहुत ही फैज़ बरकात है यहाँ पे। और इनकी हिस्ट्री जब अकबर के वक्त है वो थे, अकबर ने जब नया दीन लाया था अपना, तो उस वक्त जो मुखालफत में जो उलमाए कराम उतरे थे आप सब में आगे थे, आप मुजद्दिद अल्फ़े सानी हैं समझे, इससे मुजद्दिद अल्फ़े सानी भी आप हैं और बड़े ही बाबरकत बुजुर्ग हैं। यहाँ पे आके बहुत ही सुकून महसूस हो रहा है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से 23 किलोमीटर दूर एक जगह है ब्रास करके, तो वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे नबियों की मज़ार है, वो भी आप ही ने अपने कशफ से ये की थी कि यहाँ पे नबियों की मज़ार है, आपको नूर दिख रहा था उस जगह, तो आपने पूरी बाउंड्री बनवा दी थी, वो भी आपको सब ज़ियारत कराते हैं अगले व्लॉग में। और कैसा लगा आपको ये व्लॉग, और पैसे वाला बनना है तो फटाफट यहाँ पे आइए हाज़िरी देने के लिए, और हमारे लिए भी दुआ कीजिए और दुआओं में याद रखिए और आके इनके फैज़ो बरकात से मुस्तफ़ीद होइए। चलिए कैसा लगा आपको व्लॉग बताइए, और नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया दोस्तों।